दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मीडियाटेक हेलियो P95 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ में। और जो P95 प्रोसेसर है ना भाई, अभी दो चार दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और स्पेसिफिकेशंस काफी तगड़े हैं इसके। बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर की तो भाई उसकी परफॉर्मेंस को कौन नहीं जानता है, रियलमी 5 प्रो के अंदर देखने को मिलता है और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इससे भी मिल जाती है। इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। फटाफट से कंपेरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। मीडियाटेक हेलियो P95 लॉन्च हुआ था फरवरी 2020 में, हाल ही में लॉन्च हुआ है, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 712 लॉन्च हुआ था 7 फरवरी 2019 को, यानी कि तकरीबन एक साल पुराना प्रोसेसर है। सीपीयू क्लॉक स्पीड की बात की जाए दोनों ही प्रोसेसर के अंदर, पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच फॉलो करते हैं। अब बात करें भाई मीडियाटेक हेलियो P95 की, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दो कोर परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A75 CPU और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.2 GHz की। 6 कोर मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55 और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.0 GHz की। वहीं पर स्नैपड्रैगन 712 की बात करें तो दो कोर मिलते हैं आपको क्रायो 360 गोल्ड, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A75 CPU पे, और क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर मिलती है 2.3 GHz की। 6 कोर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, जहाँ पर मिलता है आपको क्रायो 360 सिल्वर, जो कि बेस्ड होता है कॉर्टेक्स A55 CPU पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.7 GHz की। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस वाले कोर है वहाँ पर तो स्नैपड्रैगन 712 के अंदर आपको ज़्यादा बेटर क्लॉक स्पीड मिलती है, लेकिन एफिशिएंसी कोर में आपको मीडियाटेक हेलियो P95 में ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। तो CPU के मामले में यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर तकरीबन एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों प्रोसेसर के बीच में नहीं है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें, मीडियाटेक हेलियो P95 के अंदर आपको मीडियाटेक की ट्रेडिशनल 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 712 के अंदर आपको 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। और फैब्रिकेशन प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब होता है जो सेमीकंडक्टर्स यूज करे गए हैं उनका साइज। और भाई सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम रखा जाता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, हीट भी उतना कम होता है और एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ही बेटर आपको देखने को मिलती है। और भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ में हमेशा से हीटिंग का इशू रहा है, और उसका जो मेजर रीजन है वो होता है इसकी फैब्रिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दी गई है, तो हीटिंग का इशू आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 712 के अंदर आपको बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलती है। सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात करें भाई, तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, मीडियाटेक हेलियो P95 के साथ में आपको मिलता है IMG पावर VR GM9446 GPU। अच्छा GPU है, पावरफुल GPU है, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। लेकिन जब इसको कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन 712 के साथ आने वाले क्वालकॉम एड्रेनो 616 GPU के साथ में, जिसको क्लॉक किया गया है 800 MHz पे, तो भाई जो मीडियाटेक हेलियो P95 के साथ में GPU आता है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर इस GPU को कंपेयर किया जाए तो भाई क्वालकॉम एड्रेनो 612 के आसपास का GPU है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 712 के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल GPU मिलता है। बात की जाए रैम सपोर्ट की, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम रैम साइज आपको मिल जाता है 8 GB का, और जो क्लॉक स्पीड है रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाती है आपको 1866 MHz की। तो यहाँ पर रैम सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। स्टोरेज सपोर्ट की भी अगर बात करें तो यहाँ भी कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के साथ में eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है। अब भाई ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो फ़ोन हम ले रहे हैं वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। अगर eMMC 5.1 वाला स्टोरेज सपोर्ट मिलता है तो रीड राइट की स्पीड आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, UFS 2.1 के साथ में आपको बेटर रीड राइट की स्पीड मिलेगी। यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें, मीडियाटेक हेलियो P95 के साथ में आपको 24+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और सिंगल कैमरा की बात की जाए तो 30 फ्रेम पर सेकंड पे आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल तक का कैमरा, और भाई मैक्सिमम कैमरा साइज आपको P95 के साथ मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का।
स्नैपड्रैगन 712 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड पर। सिंगल कैमरा आपको 25 मेगापिक्सल तक का देखने को मिल सकता है MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में 30 फ्रेम पर सेकंड पे। और भाई ZSL का सपोर्ट अगर हटा दिया जाए केवल MFNR के सपोर्ट के साथ में आपको अप टू 48 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिल सकता है। और भाई जो मैक्सिमम कैमरा साइज है स्नैपड्रैगन 712 के साथ में वो आपको मिल जाता है 192 मेगापिक्सल का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 712 बेटर प्रोसेसर है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों प्रोसेसर के साथ में आप 4K अल्ट्रा HD तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। फुल HD प्लस 1080 पिक्सल्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पे। और भाई 720 पिक्सल्स यानी HD वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 फ्रेम पर सेकंड पे, और आप उसको इजीली स्लो मोशन वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें, MediaTek Helio P95 के साथ में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1080x2520 पिक्सल्स का। स्नैपड्रैगन 712 के साथ में आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1440x3360 पिक्सल्स का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 712 के अंदर बेटर डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है। बात की जाए LTE मॉडेम की, MediaTek Helio P95 के साथ में मिलता है इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम। यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आपको मिलती है 600 Mbps। वहाँ पर आपको डाउनलिंक के लिए मिल जाता है Cat 12 मॉडेम, अपलिंक के लिए मिलता है Cat 13 मॉडेम, और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। वहीं पर बात करें हम स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन X15 LTE मॉडेम देखने को मिलता है। यहाँ पर डाउनलिंक के लिए मिलता है Cat 15 मॉडेम, और डाउनलोड की स्पीड आपको मिल जाती है 800 Mbps तक। अपलिंक के लिए यहाँ पर भी आपको Cat 13 मॉडेम देखने को मिलता है, और अपलोड स्पीड आपको मिलती है 150 Mbps तक की। तो LTE मॉडेम के मामले में जो डिफरेंस आता है वो डाउनलोड स्पीड में आता है। स्नैपड्रैगन 712 के अंदर आपको बेटर डाउनलोड स्पीड देखने को मिलती है। एंटूडू स्कोर्स की बात करें, MediaTek Helio P95 के एंटूडू स्कोर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन स्नैपड्रैगन 712 को लगभग मिलते हैं 224,011 पॉइंट, जो कि एक बजट सेगमेंट, एक मिड रेंज के सेगमेंट के प्रोसेसर के लिए काफी तगड़ा स्कोर है। Geekbench स्कोर्स की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 712 को सिंगल कोर में मिलते हैं 1,910 पॉइंट, और मल्टी कोर में मिलते हैं 6,060 पॉइंट। जो ये स्कोर Geekbench की तरफ से मिले हैं काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं। MediaTek Helio P95 की बात करें तो Geekbench स्कोर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही डिक्लेयर होंगे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट कर दूंगा। तो भाई अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। तो भाई ये था कंपैरिजन MediaTek Helio P95 प्रोसेसर का Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर के साथ में। और भाई जो CPU की बात करें ना, सबसे पहले तो आपको परफॉर्मेंस कोर में बेटर क्लॉक स्पीड मिलती है 712 के अंदर, और जो एफिशिएंसी कोर है वहां पर आपको बेटर क्लॉक स्पीड मिलती है P95 के अंदर। लेकिन भाई इसको एक अलग तरीके से देखा जाए तो जो Snapdragon 712 प्रोसेसर है उसमें जो कम क्लॉक स्पीड मिलती है आपको एफिशिएंसी कोर के अंदर, उससे आपका बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बैटरी एफिशिएंसी आपको बेटर देखने को मिलेगी 712 के अंदर, जो थोड़ी सी कम क्लॉक स्पीड मिलती है एफिशिएंसी कोर में उसके कारण। तो सीपीयू के मामले में थोड़ा सा बेटर सीपीयू मैं बोलूंगा 712 के अंदर। और भाई जीपीयू की अगर बात की जाए तो नो डाउट बेटर जीपीयू आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 712 के साथ में। साथ ही में दूसरी चीजों को जोड़ लिया जाए तो फैब्रिकेशन प्रोसेस भी आपको वहां पर बेटर मिलती है, साथ ही में LTE मॉडेम में डाउनलोड स्पीड भी आपको बेटर मिलती है Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर के साथ में। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस बैटल का जो विनर निकल के आता है वो निकल के आता है Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेसर बेटर लगता है आपको, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।